शुभ भाती क्रिएशन। आज मैं आपको बताने आई हूँ जो न्यूट्रिशंस होता है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है हमारे लिए, हमारे हेल्थ के लिए एंड हमारे हेयर के लिए। जो आज हम बात करने वाले हैं हेयर लॉस के ऊपर एंड हेयर ग्रोथ के ऊपर, कि हमें ऐसी क्या चीज़ें खानी चाहिए, ये क्या डाइट फॉलो करना चाहिए जिससे कि आपके बाल बिल्कुल, हेयर फॉल बिल्कुल कंट्रोल में हो जाएगा और जो आपके हेयर ग्रोथ है वो भी बहुत बढ़ जाएगी। सिर्फ ऊपर से या कोई मास्क लगा लें आप या कोई ऑयल लगा लें, खाली ऊपर से लगाने से ज़्यादा वर्क नहीं करता है, ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता जब तक आप अंदर से उसको, आप जो है न्यूट्रिशन फॉलो ना करें, जो आप अच्छी डाइट ना लें। अंदर से अगर आपकी हेल्थ ठीक रहेगी तो वो बाहर से भी आपकी हेयर भी अच्छा रहेगा, आपकी हेयर फॉल भी कंट्रोल रहेगा, हेयर ग्रोथ भी होगी, स्किन भी बहुत ही ग्लोइंग रहेगी। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने आए हैं कि आपको कौन सी डाइट फॉलो करनी चाहिए। मुझे बहुत सारे ऐसे कॉमेंट्स भी आए हैं, बहुत इंस्टाग्राम पर भी बहुत मैसेजेस आए हैं कि दीदी हमारे हेयर ग्रोथ नहीं हो रहे या हेयर फॉल हो रहा है या हम आपकी सारी रेमेडीज़ यूज़ तो कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो वर्क नहीं कर रहा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब आप ऊपर से खाली उसे फॉलो कर रहे हैं, आप यूज़ कर रहे हैं रेमेडी, यूज़ कर रहे हैं ऑयल, यूज़ कर रहे हैं मास्क, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आप अंदर से उसको हेल्थ जो है आपकी ठीक नहीं है, आपकी जो अंदर से ऑप्शंस लेनी चाहिए, डाइट्स लेनी चाहिए वो फॉलो नहीं कर रहे हैं आप, तब तक वो उतना वर्क नहीं करेगा बिल्कुल भी जितना उसे करना चाहिए। फ्रेंड्स, हम इस डाइट से पहले, डाइट फॉलो मैं करती हूँ वो बताने आई हूँ आज, जो आपको भी करना चाहिए। तो डाइट से पहले हम बात करते हैं कि इसके रीज़न की, आपका हेयर फॉल क्यों होता है ज़्यादा एंड हेयर ग्रोथ भी रुक जाती है वो किस वजह से होता है, रीज़न क्या है इसके। फर्स्ट रीज़न ये है कि एक्सेसिव स्ट्रेस, जो आप अगर एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा अगर आप स्ट्रेस ले लेते हैं अपने माइंड में, आपको कोई टेंशन है या स्ट्रेस है तो उसकी वजह से भी आपकी हेयर ग्रोथ रुक जाती है, हेयर फॉल बहुत होने लग जाता है। सेकंड रीज़न है, आप अगर ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, जंक फूड मतलब फास्ट फूड, ज़्यादा बर्गर, पिज़्ज़ा, चाउमीन, मैगी, ये सब जो बाहर की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा आप खा रहे हो तो उसकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होने लगता है। थर्ड रीज़न है, या तो आप किसी लंबे किसी बीमारी से, आपको कोई बीमारी है या बहुत लंबे टाइम से आप दवाई खा रहे हैं किसी चीज़ की, तो उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं जिससे कि आपके हेयर फॉल होता है। जो लास्ट रीज़न जो है, जो आप अगर ज़्यादा ही डाइटिंग कर लें, आप एक्स्ट्रा एक्सेसिव डाइटिंग करने लग जाएं, आप अगर जो आपको न्यूट्रिशंस लेनी चाहिए लाइक विटामिन है, मिनरल्स हैं, प्रोटीन्स हैं, वो सब आप नहीं लेते तो उसकी कमी की वजह से भी फॉल लगता है एंड हेयर ग्रोथ भी नहीं होती, और भी हेयर के और भी कई सारे प्रॉब्लम्स हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, हमने रीज़न तो जान लिए, अब देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन क्या है, हमें क्या क्या डाइट फॉलो करनी चाहिए। मैं आपको आज 5 फूड्स बताऊंगी जिसमें आपको 5 तरह के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जो भी हमें चाहिए, हमारी बॉडी को चाहिए होती है वो मैं बताऊँगी, 5 तरह की होती हैं। फर्स्ट जो है प्रोटीन, बायोटीन एंड कैरेटीन, जिसमें ये तीनों चीज़ें हों वो चीज़ आपको खानी चाहिए। फर्स्ट फूड है जिसमें बहुत सारा होता है, एग्स होते हैं, एग्स बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, एग्स में बहुत सारा प्रोटीन होता है तो आपको एग्स ज़रूर खाना चाहिए। एग, बीन्स हो गई, सोया बीन्स हो गई, योगर्ट, सोया बीन्स एंड नट्स। जो आपको सेकेंड फूड है वो है आयरन, जिसमें आयरन भरपूर मात्रा में हो, बहुत सारा आयरन हो वो खानी चाहिए आपको। आयरन किस में होता है? स्पिनिच में होता है, यानी कि पालक में, पालक में होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जो होते हैं, हरे पत्तेदार सब्जियां, वो खानी चाहिए आपको। बीन्स, सोयाबीन, दाल, पम्पकिन सीड्स, जो पम्पकिन सीड्स होते हैं और जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं, इन सब में आयरन बहुत सारा होता है, साथ ही प्रोटीन भी होता है, आपको ये भी लेनी चाहिए। थर्ड चीज़ जो है विटामिन B12 एंड विटामिन D, जो इन दोनों चीज़ें होती है वो आपको लेनी चाहिए। मीट, फिश, सैलमन, मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स जो होते हैं उनमें होता है, और साथ ही जो एग्स हैं उसमें भी होता है। जो विटामिन B12 एंड विटामिन D है वो आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, हेयर फॉल को कंट्रोल करता है एंड जो आपके न्यू सेल्स होते हैं उसको इंक्रीज करता है, आपकी को जो बिल्कुल हेल्दी बना के रखता है। फोर्थ फूड जो है जिसमें
विटामिन ए, विटामिन सी एंड विटामिन ई, ये तीनों चीज होनी चाहिए। विटामिन ए जो होता है स्वीट पोटैटो, कैरेट्स, पम्पकिन, इन सब में विटामिन ए होता है। एंड विटामिन सी के जो हैं गुआवा, लेमन, स्ट्रॉबेरीज, आप जो बेरीज हैं ब्लैक बेरीज हैं, ये सारे होते हैं, ये सब खानी चाहिए आपको। एंड विटामिन ई जो होता है उसमें आमंड्स आते हैं, आपके नट्स आते हैं, के फ्रूट्स आते हैं और आपके पीनट्स भी आते हैं। जो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ उसमें खाने के बहुत सारे ऑप्शन मैंने बता दिए हैं। सभी जो हैं प्रॉपर्टीज जो हैं, मिनरल्स, प्रोटीन, विटामिन्स हैं, सबके बहुत सारे ऑप्शन बताए हैं। जो भी आपको अवेलेबल हो वो खाया करें, वो अपने डाइट में फॉलो ज़रूर करें। इससे आपके जो बाल हैं बिल्कुल हेल्दी रहेंगे, हेयर फॉल कंट्रोल रहेगा एंड हेयर ग्रोथ भी होगी। फिफ्थ फूड है जो जिसमें जिंक, जिंक जिसमें बहुत सारा हो, जिसमें बहुत अच्छी मात्रा, जिंक बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है आपके हेयर के लिए। जो अगर एलोपेशिया है, जिनको जिनको अगर बाल्डनेस है, कहीं बाल पैचेस आ गए हैं आपके बियर्ड पे या स्कैल्प पे कहीं पे, तो उसके लिए भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, जिनके उनका रीग्रोथ होना स्टार्ट हो जाता है, रीग्रोथ स्टार्ट होता है। एंड जो एक्सट्रीम अगर आपके हेयर फॉल होता है तो उसको भी कंट्रोल करता है एंड हेयर ग्रोथ को भी प्रमोट करता है। क्या क्या फूड है? मीट, दाल, बीन्स, पम्पकिन एंड सेसमे सीड्स, और इसमें पीनट्स भी होते हैं, कैश्यू होते हैं मतलब काजू होते हैं, एंड आमंड्स और बनाना भी होते हैं। जितने भी मैंने आपको फूड्स बताए हैं सबके मैंने अलग अलग ऑप्शंस भी दिए हैं, बहुत सारे फूड्स बताए हैं। जो भी आपको अवेलेबल हो, इजली अवेलेबल हो, वो आप खा सकते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स ज़रूर खाएं, जो आपके सीजनल में फ्रूट्स आते हैं वो भी ज़रूर खाएं, जो भी आपको सीजनल में अवेलेबल होता है फ्रूट्स होते हैं वो ज़रूर खाएं। मिल्क ज़रूर लेना है आपने, एग ज़रूर खाएं, और जो फिश, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं फिश खा सकते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अखरोट खा सकते हैं। और फ्रेंड्स लास्ट टिप जो है कि अगर आप नाइट में अपने बालों में 5 मिनट के लिए अपने स्कैल्प में थोड़ा सा मसाज करें 5 मिनट के लिए, तो उससे भी आपकी हेयर ग्रोथ इंक्रीज होएगी एंड हेयर फॉल भी कंट्रोल होगा। आप अगर सिर्फ 5 मिनट करें, रोज रात को सोने से पहले करेंगे, तो आप विद इन अ 1 month आप खुद डिफरेंस फील करेंगे कि आपके बालों में बहुत ही अच्छा डिफरेंस आया, आपका हेयर फॉल भी कंट्रोल हो गया है एंड हेयर ग्रोथ भी प्रमोट हो गई है। साथ में आप ये सारी जो मैंने डाइट बताई है आपको जरूर फॉलो करें। तो इतनी अच्छी अच्छी न्यूट्रिशन फूड्स हैं ये आपको जरूर खानी चाहिए। जो इसमें मैं भी फॉलो करती हूँ, ये सारे जो फूड्स हैं वो भी मैं भी खाती हूँ। जो ये डाइट बताया मैंने अपना ही बताया है आपको, अपना एक्सपीरियंस ही शेयर करती हूँ मैं अपने चैनल पे। तो ये फूड्स, ये डाइट ज़रूर फॉलो करें। और फ्रेंड्स वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे फीडबैक ज़रूर दें कि आप कौन कौन से फूड को फॉलो करते हैं, कौन कौन से अपने डाइट में कौन से फूड्स फॉलो करते हैं। और फ्रेंड्स मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं किसी और वीडियो मिलती हूँ किसी नई चीज़ के साथ। टिल देन।